दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कुर्ती की जैकेट कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसे हम नॉर्मल कुर्ती रहती है उसके ऊपर पहनने के लिए जैसे जैकेट आजकल चल रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती के ऊपर जो पहनते हैं वो जैकेट कैसे बनाएं। तो देखिए ये मेरा प्रिंटेड कपड़ा है और जो हमारी कुर्ती है वो प्लेन ग्रीन कलर है और मैं इसका जैकेट बनाऊंगी। तो अभी आपको बताती हूँ इसका साइज और क्या है। तो देखिए ये क्लॉथ है और इसको मैंने अभी ये फोर फोल्डिंग कर लिया है, आगे पीछे पीस दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। तो अभी आपको बताती हूँ इसका साइज क्या है। तो देखिए ये 8.5 इंच आ रहा है फोर फोल्डिंग में, तो ये हमको 32 साइज का हम इसको तैयार में रखेंगे क्योंकि आगे से वैसे भी हमारी ओपन रहता है, तो आप इसको 34 साइज पर भी पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ से शोल्डर ले रही हूँ मैं 12 इंच और ये स्लीवलेस रहेगा, और मुड्डी ले रही हूँ मैं 6 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो आप अपने साइज के अनुसार ले लें, लेकिन मैं इसको तैयार में 17 ले रही हूँ कटिंग में, लेकिन स्टिचिंग होने के बाद ये 16 इंच के आसपास तैयार रहेगा क्योंकि मैंने 1 इंच ही मार्जिन रखा है, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो पहले हम जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट कर लेते हैं और उसके बाद अभी मुड्डे की गुलाई देते हैं 1.5 इंच, और यहाँ से हल्की सी 1/2 इंच से भी कम क्रॉस में मार्किंग करते हैं। और यहाँ पे तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही स्ट्रेट कट कर देंगे। और देखिए जो हमने ये 1/2 इंच से क्रॉस में लिया है इसको कट कर देते हैं। अभी इन दोनों पीसों को हम अलग करते हैं क्योंकि हमने आगे पीछे दोनों पीस एक साथ कट कर लिए हैं। तो देखिए ये दोनों पीस हैं क्योंकि इसमें बैक साइड में तो एकदम हाई नेक है, तो उसका हम कटिंग बताते हैं पहले नेक की और उसके बाद फिर फ्रंट पीस। पीस को बराबर से देख लें। तो पीछे से मैं 2 इंच ले रही हूँ, लेकिन तैयार में ये 1.5 इंच के आसपास आएगा, ज़्यादा डीप नहीं है, हाई नेक जैसा ही है। और ये ब्रॉड में 3 इंच ले रही हूँ, शोल्डर से भी 3 इंच, और 3 इंच से आप इस तरह से गुलाई दे दें। तो देखिए ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गई है ये बैक पीस का। अभी जो फ्रंट पीस है इसको हम इस तरह से खोल देते हैं और इसको बराबर से रख लें। तो जो आगे का नेक है वो आप अपने ऊपर है, आप 6 इंच रखना चाहते हैं, थोड़ा डीप रखना चाहते हैं, मैं इसको 6 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, और शोल्डर से 3 इंच लेंगे। अभी जो हमने ये 3 इंच लिया है और यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसको इस तरह से वी शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ से हमारा ये स्ट्रेट ही रहेगा और नीचे आके इसकी गुलाई देनी है। तो जो कॉर्नर है यहाँ से आप 1.5 इंच क्रॉस में ले लें और जिधर आपका हाथ सीधा पड़ा है उधर रख के, और इसकी यहाँ से तो आपको सेम ही रखना है, हल्की सी इस तरह से गुलाई देते हुए। तो सेम ड्रॉ पे इसको कट कर देंगे और सेम नेक को। ये आपको स्ट्रेट ही रखना है यहाँ से, और यहाँ से हमारा इस तरह से शेप आ जाएगी। तो देखिए अभी आगे का पार्ट दिखाती हूँ किस तरह से आएगा। तो देखिए ये आगे का पीस हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या है डोरी डालेंगे, एक डोरी ऊपर डालेंगे और एक डोरी नीचे साइड में। तो यहाँ पे थोड़ा गैप देंगे और नीचे भी गैप देके फिर सेंटर में 2 डोरी डाल देंगे। तो अभी हमने जो ये नेक कट किया है इस ड्राफ्ट को रख के मैं यहाँ पे पूरा पट्टी कट कर लेती हूँ कपड़े का ही, और फिर हम 2 डोरी भी बनाएंगे उसके लिए भी। तो देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है इसको आप इस तरह से नेक पे रख लें क्योंकि नीचे तक ही पूरा एक साथ ही आप इसको स्टिच कर सकते हैं, एक ही सिलाई में। अभी जैसे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लें, और जो ऊपर है 1 इंच ऊपर है यहाँ पे शोल्डर पे ज्वाइंट कर देंगे, लेकिन नीचे हमारा बराबर से आ जाएगा।
सेम ड्रॉ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो इसकी चौड़ाई लेनी है हमको वो 1.5 इंच के आसपास लेनी है, 1.5 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। सेम ड्रॉ पे कट कर लेंगे। अभी जो ये ड्राफ्ट बन गया है इस ड्राफ्ट को रखे मैं कैनवास कट कर लूँगी, जिससे कि भी हमको सेट करने में इजी रहेगा। तो देखिए मैंने कैनवास भी कट कर लिया है, अभी आपको कैनवास को कैसे सेट करना है उसका तरीका बताती हूँ। तो देखिए जो हमारा ये नेक है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देंगे, देखिए। और यहाँ पे 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इस मार्जिन को हम इस तरह से पलट देंगे इसके ऊपर, तो ये हमारा पट्टी तैयार हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने ये कट कर लिए थे और उसके बाद जो मैंने कैनवास और ये कट के जैसे कि बताया था इसके ऊपर मैं इस तरह से सेट कर लूँगा, तो मैंने सेट कर लिया है। अभी बताती हूँ आपको स्टिच कैसे करना है। तो देखिए ये हमारा जो नेक का पॉइंट है यहाँ पे, और इस तरह से ऊपर से हम शोल्डर से लेके पूरा एक ही सिलाई में स्टिच कर देंगे। उससे पहले क्या है मैंने ये डोरी बना ली है, तो डोरियों को हम इसके अंदर से स्टिच करेंगे तो हमारी डोरियाँ बाहर नहीं दिखेंगी। तो अभी आपको पॉइंट दे के बताती हूँ किस तरीके से अटैच करना है। तो देखिए नेक से आप पूरा माप लें तो देखिए 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच में हमको दो डोरी लगानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, 2 इंच ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम एक डोरी लगा देंगे 2 इंच छोड़ने के बाद, और फिर नीचे से हम 2 इंच छोड़ देते हैं और एक डोरी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी ये डोरियाँ बीच में आ जाएंगी 2 2 इंच छोड़ने के बाद। और इसी तरह से हम इस पॉइंट पर भी निशान लगा लेते हैं। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे स्टिच करें। शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 2 इंच का निशान है यहाँ, 2 इंच के निशान में हम इस तरह से यहाँ पर डोरी रख देते हैं और इसके ऊपर स्टिचिंग डाल देते हैं। सेम नीचे भी पॉइंट है उस पर भी इसी तरह से। और अभी स्टिचिंग कर देते हैं। कि मैंने ये स्टिच कर दिया है, अभी हम इसको इस तरह से पलट देते हैं। और पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक किनारे पर सिलाई डाल देंगे जिससे हमारा ये पीस सेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो डोरी है ये इसके अंदर से आ गई, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, वो अंदर हमारी दब गई है। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, तो ये देखिए सीधी तरफ से कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। और उल्टा करेंगे आप तो देखिए इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको तुरपाई कर लेनी है। और इसी तरह मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं, और अभी मैंने ये क्रॉस में पट्टी कट करके ज्वाइंट कर ली है। 1 इंच चौड़ी पट्टी क्रॉस में कट की है, जो कि हम यहाँ आर्म होल में लगाएंगे और जो हमारा बैक साइड का नेक है इसमें लगाएंगे। तो पहले हम बैक साइड में लगाते हैं, बैक साइड का नेक तैयार करने के बाद फिर शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने अंदर बाहर से भी एक स्टिच डाल दिया, और उसके बाद हम इसको इस तरह से पलट के तुरपाई कर देंगे। अभी जो हमारा ये आगे का पार्ट है इसमें मैं थोड़ा सा ये लेस लगा रही हूँ, आप कोई भी कलर का लगा सकते हैं। तो मैं इस शेप में लेके पूरा नेक में जैसे हमने ये तैयार किया सेम इसी के ऊपर लेस लगा देते हैं। देखिए ये लेस मैंने लगा दिया है, और अभी जो ये बैक साइड पीस है इसको हम स्टिच करते हैं। तो इसको इस तरह से आगे पीछे का पीस सीधा रख लें और इसके ऊपर ये उल्टा पीस रख लें। और जो हमने ये पट्टी इसमें फोल्डिंग पट्टी जो रेडी करी है इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, इससे क्या है फिनिशिंग आ जाती है हमारे शोल्डर पर। और यहाँ से स्ट्रेट स्टिचिंग डाल देंगे। लेकिन मैंने वन साइड डाल दी है, अभी वन साइड और डाल देते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी इसका लुक किस तरह से आएगा।
देखिए जैसे कि हमने ऐसे स्टिच किया, अब इसको पलट देंगे तो यहाँ पर देखा फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। अब ये दोनों पीस हमारे एक साथ जॉइंट हो चुके हैं। अभी हमको करना क्या है, ये आर्म होल में जो हमने पट्टी कट की है क्रॉस में, इन पट्टियों को इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं और सेम आर्म होल में इसको स्टिच करते हैं। इसमें कोई फ्रिल नहीं डालनी है, डायरेक्ट स्टिच करते हैं। तो देखिए मैंने स्टिचिंग डाल दिया है। अभी करना क्या है, अभी इसको हम इस तरह से पलट देते हैं और यहाँ पे एक स्टिचिंग डालते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा पट्टी हमारा। हमने यहाँ पर स्टिचिंग डाली, अभी इसको पलट दिया तो एकदम हमारा जैसे रेडीमेड आता है उस तरह की ये फिनिशिंग आ गई है। इसी तरह मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लूँ। जैसे कि मैंने लेस यहाँ पर लगाई है, सेम आर्म होल पर लगा दूंगी। देखिए ये दोनों साइड में मैंने शोल्डर पर फिनिशिंग दे दी है और लेस भी लगा दिया है। अभी हम करते हैं इसको साइड फिटिंग। तो उसके लिए हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है, हाफ इंच लिया है। तो आप जैसे नॉर्मल सिलाई डालना है हाफ इंच, वैसे ही डालना। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आएगा ये, और जो पीछे का पार्ट है उसमें हमको जस्ट हाफ इंच की स्टिचिंग देनी है, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लॉथ नहीं लिया। जितना इसमें स्टिचिंग हो जाए सेम उसी में उतना आएगा। तो इसकी हम फिटिंग दे देते हैं। अगर आप मार्जिन ज़्यादा लेते हैं तो फिर ज़्यादा दे दें फिटिंग। मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया इसलिए कम दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इतना ये एक्स्ट्रा आया है बैक साइड में, तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग डाल दूंगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड ये फिटिंग दे दी है, जो बताया था मैंने, जैसे कम है ये हाफ इंच के आसपास है। अभी करना क्या है, इसको इस तरह से खोल दें और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए एक साइड में इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने नीचे भी फिनिशिंग दे दिया, ये ऊपर पूरा हमारा तैयार हो गया। तो अभी आप देखेंगे इसको, आप 34 साइज का जो आपका कुर्ती हो उसके ऊपर भी आप इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला यहाँ से हमारा कट है। और यहाँ पे हमने जो डोरी डाल दी है और यहाँ पे हमने टसल लगा दिया है कपड़े का ही। तो आप जब डोरी इस तरह से अपने साइज के अनुसार आप इसमें डोरी लगा दें, बांध दें। देखिए अभी बताते हैं किस तरह से लुक आएगा इसका, ऐसे बांध देंगे। अगर आपका साइज ज़्यादा है तो इतना गैप आएगा तो भी अच्छा लगेगा। अगर हमने तो करेक्ट साइज से बनाया तो ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे हम इस तरह से ये लेस बांध देंगे और सेम इसी तरह से हम नीचे बांधेंगे। तो इस तरह की आप प्लेन कुर्ती पर ये डिजाइनर जैकेट बना सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर आपको कुर्ती का लुक आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, जो बैक साइड है इसको एक तरफाई कर लें, तो बांधने के बाद देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इस आसान तरीके से आप प्लेन कुर्ती को डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं जैकेट बना के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।